हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास से हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का टॉपिक है, जिसमें मैंने मेथड स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज मैं आपको सेकंड मेथड करवाऊंगी, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इससे पहले वाला मैंने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है जो क्लास से पहले ली थी, जो उसमें कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखे ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस आप देखें और आपकी स्टडी है जो बूस्टअप हो। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड में क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनेट में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, वो प्रोपोर्शन में निकालेंगे, यानी कि हम इसमें परसेंटेज में देखेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड में, परसेंटेज चेंज आने से प्राइस के, यानी कि प्राइस में चेंज आने के कारण कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा डिमांड में, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इस बार हम मेथड अडॉप्ट करेंगे प्रोपोर्शनेट यानी परसेंटेज मेथड की हेल्प से। मीनिंग में क्या लिखा है, द सेकेंड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। कहते हैं ये सेकेंड मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। एज पर दिस मेथड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इस मेथड के हिसाब से हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे कि हम चेक करें कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आया डिमांड में, प्राइस में चेंज आने के कारण। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स और डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। यानी कि यहाँ पे हम किस तरीके से ये मेथड है जो अडोप्ट करेंगे, तो मैं आपको इजी वे से जो समझा देती हूँ बच्चों कि इसमें हम किस तरीके से जो लेके चलेंगे, हम प्रोपोर्शनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कि कितना प्रोपोर्शनेट यानी कि कितना प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड यानी कि डिमांड में कितना चेंज आया फॉर गुड एक्स। जैसे मान लो कि हम गुड एक्स ले लेते हैं, यानी कि गुड एक्स में एक्स की डिमांड में कितना चेंज आया, किसके कोरस्पोंडेंस चेक करेंगे हम, प्राइस के कोरस्पोंडेंस चेक करेंगे, तो डिवाइड किससे कर देंगे हम, प्रोपोर्शनेट यानी कि कितने प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन किस में चेंज चेक करेंगे हम, पहले चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ गुड एक्स यानी कि गुड एक्स के प्राइस में चेंज आने के कारण कितना चेंज आ गया उसके प्राइस में, ये चेक किया जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि जो ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स कैसे हम चेंज निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने का तरीका होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइड कर देती हूँ इसके इनिशियल डिमांड से, यानी कि इनिशियल डिमांड के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स आ जाएगा। ऐसे हम मैंने डिवाइड में रखा, तो डिवाइड में मैं देखो फॉर्मूले में ऐसे सेम तरीके से प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, हम देखें कि चेंज इन प्राइस यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया है, चेंज इन प्राइस और डिवाइड करेंगे इसको इनिशियल प्राइस के साथ, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना प्राइस था, तो इनिशियल प्राइस से क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इसी कारण से इसके आगे हम जो साइन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब हमने देखा कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांडेड को, तो हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कैसे देखेंगे, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मैं आज जितनी क्वांटिटी है उसमें से माइनस कर दूँगी पहले जितनी क्वांटिटी, तो मुझे चेंज पता चल जाएगा। तो ऐसे स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी को मैं क्यों उसे नोट करती हूँ, तो डिवाइड करते हैं ऐसे सेम तरीके से चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज कितना प्राइस है और पहले कितना प्राइस था और इनिशियल प्राइस से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस का निशान इसके आगे रहे, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या पाया जाता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी कि जो
Q1 में से मैं माइनस करती हूँ क्यू, ये क्या निकालती हूँ कितना चेंज, चेंज को ऐसे डेल्टा से नोट करते हैं हम, कितना चेंज आया क्वांटिटी में डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी, डिवाइड करते हैं ऐसे चेंज कितना आया पी में, डिवाइड करते हैं पी से, तो इनके आगे माइनस का निशान ऐसे रहेगा क्योंकि इनमें क्या है इनवर्स रिलेशन है। जब हम इसको सोल आउट करेंगे तो जो ये डिवाइड में पड़ा है, तो जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी इसको तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी ना रकम यानी कि जो इसका प्रोपोर्शन है वो पलट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, फिर माइनस का निशान आगे ऐसे रहेगा इलास्टिसिटी और डिमांड में, तो इसको मैं लिखूँगी चेंज इन क्वान्टिटी डिवाइड बाई क्वान्टिटी, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये मल्टीपल वाला डिवाइड में, जो डिवाइड वाला मल्टीपल में, यानी कि रिवर्स हो जाना है इसने, तो पी डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, चेंज इन पी बचेगा क्योंकि ये चेंज इन पी डिवाइड बाई पी है, तो ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कि पी डिवाइड बाई चेंज इन पी बन जाएगा। यानी कि अब मैं इसको सेट कैसे लिख सकती हूँ, सेट करके कैसे लिखूँगी, देखो माइनस का निशान आगे रहना है, अगर मैं इस पी को डिवाइड बाई क्यू कर दूँ, यानी पी और क्यू साइड पे कर दी मैंने, ऐसे चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं हम बच्चों, क्योंकि ये पी हमारा नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्यों हुआ, तो पी डिवाइड बाई क्यों मैंने साइड कर दिया, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस मैंने साइड कर दिए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किस चीज़ का फॉर्मूला है बच्चों, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, किस मेथड से, प्रोपोर्शनेट मेथड से। अब हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक कहते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड प्रोपोर्शन मेथड इज एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। सपोज करो कि तो प्राइस है जो आइसक्रीम का वो 1 है, अपन ले लेते हैं यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं और इस साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड ले लेते हैं। कहते हैं प्राइस पहले कितना 4 है, कहते हैं एंड डिमांड यूनिट फॉर आइसक्रीम कितनी डिमांड की गई है 1। ऐसे ही कहते जब प्राइस है आइसक्रीम का वो कम होकर 2 हो गया, यानी कि 4 से कितना हो गया 2 हो गया। तो अपन जानते हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी स्टार्टिंग में प्राइस मेरे पास 4 था, अब P1 कितना हो गया 2 हो गया। स्टार्टिंग में मेरे पास क्वांटिटी 1 थी, अब क्वांटिटी कितनी होगी 2 मतलब 4 होगी है। यानी कि स्टार्टिंग का प्राइस, इनिशियल प्राइस और ये P1 जो आज का है, इनिशियल की क्वांटिटी यानी जो स्टार्टिंग में थी और आज की क्वांटिटी इतनी हो चुकी है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इनिशियल प्राइस क्या, हमें क्या चाहिए होता है इनिशियल प्राइस, यानी कि P पता चल गया हमें कितना 4 और Q पता चल गया हमें कितना 1 है। तो हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन P चाहिए हमें, कैसे निकालेंगे, P1 में से अगर P माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन P आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो P1 कितना है 2, 2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 4 तो मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हैं Q1 माइनस में Q करके, तो Q1 मेरे पास 4 है, माइनस में 1 करें तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको सोल्व आउट कर सकती हूँ बच्चों। अब तो अब मैं इसको जब फॉर्मूले पुट करूँगी तो फॉर्मूला क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में, तो मैंने अभी भी जो ये कैलकुलेट किया है P डिवाइड बाई क्यू, यानी कि हमारे पास कितना स्टार्टिंग में प्राइस था, अभी भी मैंने आपको ये बताया था P डिवाइड बाई क्यू करके, और ये इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ मैं अगर, तो हमारे पास क्या इलास्टिसिटी आएगी, P यानी कि इनिशियल प्राइस मेरे पास कितना यहाँ पे 4 है और इनिशियल क्वांटिटी कितनी मेरे पास 1 है, मल्टीपल में पड़ा है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 3 और ऐसी चेंज इन प्राइस कितना है 2 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं इसको सोल आउट करूँगी तो मेरे पास कितना बचेगा 2 × 4, तो ये 3 × क्या हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आ गई मेरी, ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी कि 6 तो ज़्यादा होते हैं ना, तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या है ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब ये है कहने का, क्योंकि 6 क्या है 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी हमें पता चल गई कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो नेक्स्ट कहता है कि अगर मैं इसको चेंज करके देखती हूँ कि मेरे पास इलास्टिसिटी कितनी आई है, जैसे यहाँ पे मैंने पी मेरा 4 है, P1 मेरा 2 है, Q मेरा 1 है, Q1 मेरा 4 है, अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, यानी कि इसको मैं P ले लूँ और इसको P1 ले लूँ, इसको Q ले लूँ और इसको Q1 ले लूँ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी। जैसे इस केस में इलास्टिसिटी डिमांड क्या ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या है मेरी ज़्यादा आई है 1 से, क्योंकि 6 क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके देखती हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो और चेक करते हैं।
तो यही मैं डाटा सेम उठाती हूँ, लेकिन क्या करूँगी इसको रिवर्स कर दूँगी। जैसे एक तरफ तो अपन ले लेते हैं प्राइस, नेक्स्ट साइड ले लेते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड को, ऐसे पी पी वन ऐसे क्यू और क्यू वन। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस लिया था 4 से 2, तो मैं अब क्या ले लेती हूँ 2 से 4 ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं 2 रख लेती हूँ, यहाँ पर 4 ले लेती हूँ। ऐसे मैंने क्वांटिटी 1 से 4 ली थी, तो अगर 4 से 1 ले लेती हूँ, 4 से क्या ले लेती हूँ 1, यानी 2 से 4 प्राइस बढ़ा तो 4 से 1 क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई है। तो अगर मैं रिवर्स करके देखती हूँ तो चेक करते हैं कि क्या इलास्टिसिटी अब भी सेम आएगी। तो इलास्टिसिटी हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि इनिशियल प्राइस कितना है मेरे पास, इनिशियल प्राइस 2 है, इनिशियल क्वांटिटी कितने मेरे पास 4 है। तो यहाँ से चेंज इन प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, पी वन माइनस में पी करके। तो मैंने देखा 4 प्राइस है, 4 में से 2 गया तो 2 आ गए मेरे पास। ऐसे चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, क्यू वन में से क्यू को माइनस करके, यानी कि 1 माइनस में 4 करके तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। फॉर्मूला क्या था मैंने अभी पीछे आपको बताया था, पी डिवाइड बाई क्यू करके मल्टीपल चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन पी करके हमारे पास क्या इसका फॉर्मूला है। तो जो मैं ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट किया, अगर मैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करती हूँ तो देखती हूँ कि इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी बनती है। प्राइस है तो देखो हमारे पास इलास्टिक डिमांड निकालने के लिए माइनस आगे आ जाएगा। प्राइस मेरे पास 2 है, क्वांटिटी मेरे पास 4 है, तो चेंज इन क्वांटिटी मेरे पास कितने है, माइनस में 3, और चेंज इन प्राइस कितना है मेरे पास 2। तो जब मैं इसको सोल आउट करती हूँ तो मेरे पास ना माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2, तो ये 3/4 बनते हैं। तो ये पॉइंटों में कुछ जाएगा बच्चों, पॉइंटों में कुछ जाने का मतलब क्या है कि इस केस में तो फिर इलास्टिसिटी मेरी 1 से कम आ गई, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ आएगा मेरा आंसर। तो जब मेरा यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 आई है, तो रिज़ल्ट क्या निकला कि जब मैंने डाटा पीछे जब देखा इलास्टिसिटी निकाल के, वो तो ग्रेटर देन 1 आ रही थी, लेकिन इस केस में जब मैंने रिवर्स कर दिया तो यहाँ तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 आ गई, जबकि दोनों में सेम ही आनी चाहिए थी इलास्टिसिटी और डिमांड, क्योंकि डाटा में अगर रिवर्स किया जाए तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, यानी कि इस फॉर्मूले को ना रिवाइज़ कर दिया फिर इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि कहता है कि अब यहाँ पे तो इलास्टिसिटी क्या है, चेंज आ रही है भाई, अब तो क्या करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूले से तो आंसर पहले और आ रहा था, पहले तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आई थी, अब इसमें लेस देन 1 आ गई है। तो क्या दस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर आइस क्रीम विल प्रूव ग्रेटर देन यूनिटरी अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फर्स्ट फॉर्मूला प्रोपोर्शन मेथड। हमने फर्स्ट में देखा वो 6 आ रही थी जो 1 से ग्रेटर था, लेकिन सेकंड में क्या हुआ, पॉइंटों में आ गई है, तो पॉइंटों में मतलब क्या, लेस देन 1 आ गई है। तो कहते हैं इस डिस्क्रिपेंसी को सोल्व करने के जो इकोनॉमिस्ट थे, जैसे बिलास हो गया, स्नाइडर हो गए हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मेजर करो प्राइस इलास्टिक डिमांड प्रोपोर्शन मेथड, वन शुड डिवाइड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कहता है जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस को जो अब हमने लेना है ना, कहता उसको मिनिमम डिमांड लो किसकी बजाय, इनिशियल डिमांड की बजाय। कहते हैं मिनिमम प्राइस लो किसकी बजाय, इनिशियल प्राइस की बजाय, यानी कि इनिशियल प्राइस की बजाय किसको प्रेफर करना है हमने, यहाँ पे मिनिमम को उठाना है। तो यानी कि अब अगर हम रिवाइज फार्मूला लेके चलते हैं, रिवाइज फार्मूला के हिसाब से कहते हैं कि हमें इनिशियल की जगह क्या उठाओ, कहते हैं मिनिमम उठा लो जो प्राइस और क्वांटिटी है। तो अब हम रिवाइज फार्मूला के हिसाब से देखते हैं फिर सोल आउट करके क्या रिजल्ट निकलता है। जब हम रिवाइज करके देखते हैं तो कहते हैं जैसे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की थी माइनस में, यहाँ फार्मूला रखा था प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीपल बाय चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस करके रखा था। तो कहते हैं यहाँ पे इनिशियल प्राइस मत लो, एम लगा दो, यानी कि मिनिमम रख लो क्वांटिटी भी और प्राइस भी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए इन्होंने अपनी तरफ से अज्यूम किया एग्जांपल, कहता मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम प्राइस है वो 2 है, और जो प्राइस 2 से क्या होगा 4 हो गया, यानी कि प्राइस 2 से क्या होगा 4 हो गया। ऐसी क्वांटिटी पहले 4 थी, अब 4 से क्या होगी क्वांटिटी 1 होगी, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी केस में, यानी कि जैसे ही प्राइस 2 से 4 हुआ, यानी कि प्राइस क्या होगा इस केस में बढ़ गया, प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी 4 से 1 होगी, यानी कि क्वांटिटी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे हमने इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी नहीं लेनी, जो मिनिमम है वो लेना है। जैसे 2 और 4 में मिनिमम क्या है 2 है, 4 और 1 में मिनिमम क्या है 1 है। तो अब हमने इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी के बजाय क्या रखना है, मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी रखनी है। तो जब मैं यहाँ पे चेंज देखती हूँ, चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे, ऐसे चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1 माइनस 4, यानी कि 4 में से 2 गया 2 और इसमें नेगेटिव, यानी कि -3 आ गया। तो अब मैं इलास्टिसिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट करूँगी, कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड में ना प्राइस मिनिमम रखो,
क्योंकि यहाँ पे इनिशियल के बजाय क्या रखना है, हमने मिनिमम प्राइस रखना है। तो अब जब हम मिनिमम प्राइस रखते हैं तो मेरे पास मिनिमम प्राइस क्या है, दो। क्वांटिटी मिनिमम कितनी है, एक, तो दो बटा एक हो गया। फिर ऐसे चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई, माइनस में तीन, और चेंज इन प्राइस मेरा कितना आ गया, दो। तो जब मैं इसको सोल आउट करती हूँ, दो से दो कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो तीन आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेटर देन क्या आ गई, वन, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या आ गई, ग्रेटर देन वन आ गई है। तो इस तरीके से इन्होंने सजेस्ट किया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, अगर फर्स्ट केस से मैंने देखा सिक्स आई थी तो वो ग्रेटर देन वन थी, लेकिन जब मैंने रिवर्स किया तो वो लेस देन वन आ गई है। तो कहते ये बात तो गलत है, इसी कारण से कहते इसको रिवाइज फॉर्मूला किया गया, यानी कि मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी रखो, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी की जगह, जिससे हमारी देखो इलास्टिसिटी अब भी क्या आ रही है, ग्रेटर देन वन आ रही है, और फर्स्ट केस में सिक्स थी जो वो भी क्या थी, ग्रेटर देन वन थी। तो इस तरीके से कहता है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए प्रोपोर्शनल मेथड। कहता है अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला जो मेजरमेंट है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बाय प्रोपोर्शनल मेथड एनी एंड बाय टोटल आउटले मेथड विल बी आइडेंटिकल। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया, जब सिक्स आया था तो भी ग्रेटर देन वन था, यहाँ पे थ्री है तब भी क्या, ग्रेटर देन वन है। तो कहते हैं ये फॉर्मूला जो सही है, यानी कि मिनिमम प्राइस हमें क्वांटिटी, मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी का। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला अपना मेथड बनता था प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का। ऐसी रेगुलर क्लासेस में आपको देती रहूँगी, नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक बनते हैं ऐसी मेरी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स ऑफ साइंस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।